हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कोविल है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपकी डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी गलत फहमियाँ या थोड़ी जो जो आपके दिमाग में मिथ्स या मिसकंसेप्शंस हैं, इसको दूर करना आया हूँ। डायबिटीज़ के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमारी अगर शुगर कंट्रोल में रहे तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं आती। ये गलत है। एक पेशेंट को डायबिटी कहलाने के लिए उसकी शुगर बढ़ना जरूरी है, लेकिन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए या कॉम्प्लिकेशन से ठीक होने के लिए सिर्फ शुगर कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं। मतलब पेशेंट शुड नॉट बी ग्लूकोसेंट्रिक, मतलब सिर्फ शक्कर के पीछे नहीं भागे। डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर का भी उतना अच्छा भाग होता है, उतना ही कोलेस्ट्रॉल का भी होता है। हम बोलते हैं ABC ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल इज HbA1c। जो डायबिटिक है उनको समझेंगे, HbA1c शुड बी लेस देन 7, ब्लड प्रेशर 130-80 से नीचे होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होनी चाहिए। ये ABC कंट्रोल में रहें तो हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो सिर्फ शुगर के पीछे नहीं भागिएगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आपकी लाइफस्टाइल, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है।